हेलो एवरी वन वेलकम अगेन ऑन माई चैनल अपैक्स ट्यूटोरियल एंड वी विल कीप कंटिन्यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर अटीला ही वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू गो आउट यहाँ पे ही किसे कहा गया है यहाँ पे ही रंगा को कहा गया है रंगा जो बर्गलर है चोर है जिसने अटीला के ऑनर्स के हाउस में से घर में से जितना भी वैल्यूएबल्स था जितनी भी ज्वेलरी थी वो सब इकट्ठा कर ली थी और वो अब बाहर यानी घर से बाहर जाने वाला था वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू गो आउट वो अभी बाहर निकलने ही वाला था ही हैड जस्ट पुट वन फुट आउट ऑफ द गैप ही हैड मेड इन द विंडो वैन ही सा अटीला स्टैंडिंग बिलो वो बस अपना पैर उस जगह में से बाहर निकालने वाला था वो जो जगह उसने विंडो में बनाई थी विंडो के अंदर जो सलाखें थी जा जो आयरन बार्स लगी हुई थी उनको उसने हटाया था काटा था या मोड़ दिया था और उसमें से एक गैप बन गया था जगह बन गई थी जिसमें से वो निकल कर जाने ही वाला था जैसे ही उसने अपना पाँव बाहर निकाला ही सा अटीला स्टैंडिंग बिलो उसने देखा कि अटीला नीचे खड़ा हुआ था अब अटीला का बिहेव चाहे जैसा भी रहा हो लेकिन अटीला का लुक जो था वो बड़ा टैरेबल था बड़ा भयानक था और उसका इम्प्रेशन जो है ऐसा था कि उसे देख के लोग डर जाया करते थे ठीक वैसे ही रंगा भी डर गया अब रंगा तो इसलिए भी ज़्यादा डर गया चूंकि वो चोर था चोरी कर रहा था लुकिंग अप एक्सपेक्टेंटली लुकिंग अप एक्सपेक्टेंटली यानी वो उम्मीद से आशा से ऊपर की ओर देख रहा था कौन अटीला रंगा थॉट हिज एंड हैड कम रंगा ने सोचा कि उसका अंत आ चुका था चूंकि अटीला जो था वो एक डॉग था बड़ा ही भयानक दिखाई दे रहा था ही एक्सपेक्टेड द डॉग टू बार उसे उम्मीद थी कि यह डॉग भोंकेगा बट नॉट अटीला लेकिन अटीला भोंका नहीं ही वेटेड फॉर अ मोमेंट ही यहाँ पे अटिला को कहा गया है उसने एक क्षण का इंतजार किया ग्रीव टायर्ड ऑफ वेटिंग लेकिन जब वो इंतजार करते करते थक गया स्टूड अप एंड पुट हिज फोर पॉज ऑन द लैप ऑफ द बर्गलर वो खड़ा हुआ अपने पिछले पैरों पर और उसने अगले जो पैर थे उसके वो रंगा की गोद में चोर की गोद में रख दिए पुट बैक इज ईयर्स उसने अपने कान पीछे किए लिख रंगाज हैंड रंगा का हाथ चाटा एंड रॉल डिजाइज और अपनी आँखें गोल गोल घुमाई रंगा विस्फोट रंगा धीरे से पुसफुसाया आई होप यू आर गोइंग टू बार मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भोंकोगे नहीं डॉन्ट यू वरी परेशान मत हो आई एम नॉट द शोट मैं उस तरह का नहीं हूँ हालांकि डॉग बोल नहीं सकता लेकिन राइटर ने ऑथर ने यहाँ पे लिखा कि डॉग के, के जेस्चर से डॉग की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा हो कि परेशान मत हो आदमी मैं उस तरह का नहीं हूं कि भोंकूं द डॉग ट्राइट टू से जस्ट अ मोमेंट लेट मी गेट डाउन फ्रॉम हियर एक क्षण रुको और मुझे यहाँ से पहले नीचे उतरने दो सेट द बर्गलर बर्गलर ने चोर ने रंगा ने कहा द डॉग ऑबलाइजिंगली टुक अवे हिज पॉज एंड लोअर्ड हिमसेल्फ और डॉग ने आज्ञाकारी होते हुए उसकी बात को मानते हुए जो है वहां से अलग हो गया उसने अपने पंजे अपने अगले पैर जो है हटा लिए और नीचे हो गया लुक देयर वहां देखो सेठ रंगा रंगा ने कहा पॉइंटिंग टू द बैकयार्ड पिछली तरफ आंगन में इशारा करते हुए उसने कहा देयर इज अ कैट वहाँ एक बिल्ली है अटीला पुट ऑफ हिज ईयर एट द मैंशन ऑफ द कैट अटीला ने अपने कान खड़े कर लिए जब उसने बिल्ली की आवाज़ सुनी यानी आवाज़ नहीं बल्कि बिल्ली नाम जब लिया गया बिल्ली का नाम जब मेंशन किया गया कैट का नाम मेंशन किया गया तो उसके कान खड़े हो गए एंड डैश्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड और जिस तरफ की दिशा का इशारा किया गया था डैश्ड वो तेजी से दौड़ उधर चला गया वन माइट ईजिली द कैट कोई भी आसानी से इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि जिस अंदाज में जिस तरह से वो वहाँ से गया कि वो जा करके कैट को बिल्ली को हार डालेगा मार देगा बट एक्चुअली ही डिडेंट वॉन्ट टू मिस द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ अ कैट इफ देयर वॉज वन लेकिन हकीकत ऐसी नहीं थी सच्चाई ये थी कि वो उस आनंद को मिस नहीं करना चाहता था जो एक बिल्ली यानी कैट की कंपनी में उसे मिलता था एज सुन एज द डॉग लेफ्ट हिम रंगा मेड अ डैश फॉर द गेट जैसे ही डॉग उससे अलग हुआ रंगा ने तेजी से छलांग लगा दी और वो तेजी से दौड़ता हुआ गेट की तरफ चला गया गिवन अ सेकेंड मोर ही वुड हैव हॉप्ड ओवर इट अगर एक सेकेंड का टाइम और मिल जाता तो गेट से कूदकर बाहर चला गया था बट द डॉग टर्न एंड सॉ वॉट वॉज अबाउट टू स्प्रिंग वॉज एट द गेट लेकिन डॉग ने देखा कि उसके साथ धोखा हुआ था और क्या होने जा रहा था यानी रंगा वहां से भागने जा रहा था तो इसलिए वो तेजी से मुड़ा And in one spring, और एक ही चलांग में गेट वो गेट पे था लुकड हर्ट वो तकलीफ में दिखाई दे रहा था पीड़ा में दिखाई दे रहा था ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ धोखा हुआ है और उसे तकलीफ हो रही है इज दिस प्रॉपर क्या ये ठीक है ही सीम टू आस यहां पे ही डॉग को यानी अटीला को ही कहा गया है ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूछना चाह रहा हो डू यू वॉन्ट टू शेक मी ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे शेक ऑफ एक फ्रेज होती है उसका यूज किया गया है शेक ऑफ का एक मीनिंग होता है छुटकारा पाना यहाँ पे वही यूज किया गया है डू यू वॉन्ट टू शेक मी ऑफ जैसे अटीला पूछ रहा हो कि क्या तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो ही हंग हिज हैवी टेल डाउन सो लूजली एंड लुक सो मिजरेबल दैट द बर्गलर स्ट्रोक हिज हैड एट विच ही रिवाइव्ड उसने अपना हिज uh, टेल उसकी जो भारी पूंछ थी उसने डाउन नीचे लटका ली सो लूजली बहुत ही ढीली करते हुए एंड लुक्ड सो मिजरेबल और बड़ा परेशान दिखाई दे रहा था दैट अ बर्गलर His head. Stroke का मतलब होता है हाथ फिराना। उसने बर्गलर ने रंगा ने अटीला के सिर पर हाथ फिराया एट विच ही पे नॉर्मल हो जाना जिससे वो डॉग जो है फिर से नॉर्मल हो गया द बर्गलर ओपन द गेट एंड वेंट आउट चोर ने दरवाजा गेट खोला पहले वो कूद कर बाहर जाना चाहता था लेकिन अब उसने आराम से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया एंड द डॉग फॉलोड हिम और डॉग ने उसका पीछा किया पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे वो भी बाहर चला गया अटीलाज ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू व स्ट्रीट फ्रीली अटीला की सबसे बड़ी इच्छा ये थी उसके जीवन में कि वो गलियों में आज़ादी के साथ स्वतंत्रतापूर्वक इधर उधर घूमना चाहता था नाउ थिंक सीम टू बी शेपिंग अप आइडियली अब चीज़ें जो थी बिल्कुल उस तरह से हो रही थी जिस तरह से वो चाहता था अटीला लाइक हिज न्यू फ्रेंड सो मच अटीला अपने नए दोस्त को यानी रंगा को बहुत ज्यादा पसंद करता था दैट ई वुडेंट लीव हिम अलोन इवन फॉर अ मोमेंट कि वो उसे एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था अब क्या क्या करता था अटीला जब उसके रंगा के साथ रहने लगा वो यहाँ पे बताया गया है ही ले बिफोर रंगा व्हेन ही सैट डाउन टू ईट जब रंगा खाना खाने बैठता था तो वो उसके सामने बैठ जाता था सैट ऑन द एज ऑफ हिज मैट व्हेन ही स्लैप्ट इन हिज हार्ट जब वो अपनी झोपड़ी में सोता था रंगा तो वो उसकी मैट उसकी चटाई के एक किनारे पर बैठ जाता था वेट पेशेंटली एट द एज ऑफ द पोंड वैन रंगा वैन दे नाउ एंड एन फॉर अ वॉश रंगा जब ये कदा अपने नहाने के लिए कपड़े धोने के लिए या और कुछ काम करने के लिए तालाब पे जाता था तो वो तालाब के किनारे बड़े ही धैर्य पूर्वक बैठ कर उसका इंतजार किया करता था स्लैप्ड ऑन द रोड साइड वैन रंगा वॉज ऐट वर्क और जब रंगा काम करता था तो सड़क के किनारे सो जाता था दि सॉर्ट ऑफ कॉम्पेनियनशिप गॉट ऑन अगेन हीयर हैज़ बीन यूज वन मोर फ्रेज और वो होती है गेट ऑन नर्व्स गेट ऑन नर्व्ज का एक मतलब होता है चिड़ जाना जब आदमी फेडअप हो जाता है चिड़ जाता है किसी चीज़ से तो उस पर हम यूज़ करते हैं गेट ऑन नर्वस तो यहाँ रंगा भी जो है वो बहुत ही ज्यादा चिड़ गया था फेडअप हो गया था किससे रंगा जो है अटीला की कंपेनियनशिप से अटीला जो हर समय हर टाइम एक क्षण के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ता था तो इस बात से रंगा चिड़ गया था ही इम्प्लोर्ड उसने प्रार्थना की ओ डॉग लीव मी अलोन फॉर अ मोमेंट वॉन्ट यू अरे तुम कम से कम एक क्षण के लिए तो मुझे अकेला छोड़ दो क्या तुम नहीं छोड़ोगे अनमूवड लेकिन अटीला वहाँ से नहीं हिला सेट बिफोर हिम अटीला उसके सामने बैठ गया विद हिज आईज ग्लूड ऑन हिज फ्रेंड अपने दोस्त पर अपनी आंखों को चिपकाए हुए यानी उसे टकटकी लगाकर देखते हुए अटीला उसके सामने बैठ गया डियर स्टूडेंट्स होप यू आर एंजॉइंग द एक्सप्लेनेशन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू